खंडवा शहर के मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संघ के बैनर तले जिले के सभी ब्लॉक के शाला संचालकों ने मार्च निकालकर डीपीसी से चर्चा की। शाला संचालकों ने आरटीई की फीस की भरपाई सत्र 2020-21 तक करने की मांग की। उन्होंने बताया कि मार्च 2020 से सभी स्कूल कोरोना महामारी के कारण बंद है। इससे हर संचालक आर्थिक संकट से गुजर रहा है। शाला संचालकों से अनावश्यक दस्तावेज मांगकर परेशान न किया जाए और उन्हें भी ओटला स्कूल खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो सभी संचालक इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। संघ के अध्यक्ष मनोज अनंत कुलकर्णी ने बताया कि सुप्रीम का आदेश है कि शिक्षण संस्थाओं में आधार अनिवार्य नहीं है। इसके बाद भी आरकेएस द्वारा आधार सत्यापन की जटिल प्रक्रिया रखी है, इसका हम विरोध करते हैं। खंडवा ब्यूरो की रिपोर्ट। समस्त खंडवा जिले की अब प्रदेश की सभी अशासकीय शाला को आईटी के तहत अध्ययनरत बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति नहीं की गई। एनकेएल प्रकरण डिले किया जा रहा है। कभी कोई बोलता फंड नहीं है, कभी कोई बोलता आदेश नहीं है। अब हम सब प्राइवेट स्कूल यही है। इसके बाद हम कलेक्टर साहब से मिलेंगे और इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे, या तो फीस दीजिए या इच्छा मृत्यु। अभी आप क्या करने के लिए आए हो? अभी हम लोग डीपीसी डीओ साहब से मिलने आए हैं। डीओ साहब से ये निवेदन करने आए हैं कि भाई जो हमारी फीस लॉक है, जो पेरेंट्स नहीं दे रहे, आप पेरेंट्स को संबोधित करते हुए एक आदेश निकालिए ताकि फीस जारी हो, इससे मेरे कुछ टीचर्स के पेमेंट मिल सके। डीपीसी साहब से मिलना है कि हमारी फीस प्रतिपूर्ति तत्काल की उनकी कृपा हो तो भाई कुछ मेरे टीचर्स तो जो आत्महत्या कर रहे हैं वो तो बचेंगे, उनका कुछ महीने की सैलरी मिल जाएगी। लेकिन ये लोग पूरा उदासीन रवैया अपना के रखे हैं। प्रपोजल छः मेरा एक कुछ स्कूल है उनकी 11 महीने से प्रपोजल पेंडिंग है, जबकि 15 दिन में उसका निराकरण होना चाहिए। इस तरह क्यों किया जाए? हाँ, इस तरह नहीं करना चाहिए उनको। शासन का समझे सुने और उसका निराकरण करें। ऐसे चुपचाप बैठे रहने से किसी को मृत्यु के लिए उसको उत्साह नहीं। हमारे जो स्कूल है, जब सरकारी स्कूल ओपन हो सकती है तो सरकार के आदेश के अनुसार काम कर सकती है, उनके टीचर पढ़ा सकते हैं। ऑफलाइन स्कूल या जिस अलग तरीके से ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ा सकते हैं, ऑफलाइन स्कूल चला सकते हैं, दूसरा घर जाकर पढ़ा सकते हैं, तो प्राइवेट स्कूल वाले क्यों नहीं कर सकते? लेकिन हमको इस चीज़ की अनुमति दी जाए या हमारी मांग वहाँ पर आदेश तक पहुँचाई जाए कि हम प्राइवेट स्कूल वाले सारे के सारे स्कूल ओपन करने के लिए तैयार है, सारे कोरोना के जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फॉलो करने के लिए तैयार है, उसकी हमको अनुमति दी। आज अभी क्या है कि जैसे सरकारी स्कूल में टीचर है 20-25 बच्चों को बिठा के पढ़ा दिए, तो प्राइवेट वालों को क्या तकलीफ है? और उनमें तो पेरेंट्स अपनी अनुमति दे रहे हैं ना, आज वो लिख के दे रहे हैं। आज सरकारी स्कूल का कोई भी बच्चे का पेरेंट्स है कोई भी लिख के नहीं दिए, आप उनको ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं घर से बुला के और 20-25 को इकट्ठा करके बुला रहे हो। तो सरकारी स्कूल में सब चल सकता है, प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं चल सकता? क्यों इस तरह का व्यवहार हो रहा है? क्या सरकारी स्कूल वाले को पूरे टीचरों को भी, सरकारी स्कूल के सभी टीचरों को सैलरी मिल रही है? आज प्राइवेट स्कूल वाले भी टीचर ही हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं और सरकारी से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आज उनको कोई सैलरी नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि आज बच्चों की फीस नहीं आ रही है। आज आरटी का पेमेंट जो अटका हुआ है वो अगर फीस दे दें, हम तो सरकार से कोई वही नहीं चाह रहे ना, पर हमारा जो पेमेंट आज सरकार के पास है वो पेमेंट तो हमारे को दे, कोई हमारे को किसी तरह की सहायता नहीं चाहिए। लेकिन जो हमारी जो चीज़ें हैं, आज हमारा पेमेंट जो आपने करके रखा है 18-19, 17-18 का भी, कई स्कूलों का 17-18 का भी पेमेंट अटका हुआ, तो आप बताइए कि 4-3 साल तक वो स्कूल कैसे चलाए? और आप बोलते हो आरटी में बच्चों को लो, गरीब बच्चों को पढ़ाओ। अरे गरीब बच्चा तो आगे पढ़ाएंगे और वो भी सेम पढ़ेगा जो फीस दे रहा है उसका, लेकिन आप सोच। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।